उधर कोरोना संकट के बीच देश भर में 15 अगस्त को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं हरियाणा में भी स्वतंत्रता दिवस की परेड को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चीन में जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की है। रिहर्सल के समय सभी जवान मास्क पहने नजर आए। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंबाला, सिरसा, यमुनानगर, जींद और गोहाना की, जहां पर फुल ड्रेस रिहर्सल जवानों ने किए। और जनता टीवी संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर फिलहाल क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, लाल किले पर वहां पर वो मौजूद हैं। फिलहाल स्पर्श, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और वहां पर क्या क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना महामारी में ऐसे में किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना आए, इसको लेकर भी, इसको ध्यान में रखते हुए भी क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर? देखिए बिल्कुल अंजलि, कोरोना का जो काल है उसके दौरान जो है स्वतंत्रता दिवस पड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हुए नजर आएंगे। आपको पीछे तैयारियां दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो दिखाएंगे। सबसे पहले आपको मंच दिखाना चाहेंगे कि लाल किले पे जो ये मंच आपको दिख रहा होगा वहाँ से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो अलग अलग तैयारियां, जो क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, तो आपको जो लाल किले का प्राचीर है उसके नीचे जो तमाम कुर्सियां दिख रही होंगी, उन कुर्सियों के बीच में जो गैप है, जो सामाजिक दूरी थी, जो 2 गज की दूरी है, वो कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना काल यहां पर चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है इस बार कहीं ना कहीं जो 15 अगस्त है वो देखने को मिलेगा। पिछले बार के मुकाबले जो है 15 अगस्त कहीं ना कहीं इस बार बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि लगातार हम अगर 15 अगस्त की बात करते हैं, लाल किले की बात करते हैं, तो काफ़ी संख्या में जो अलग अलग जो गेस्ट होते हैं उनको बुलाया जाता था, लेकिन इस बार जो है गेस्ट की जो संख्या है उसको पूरी तरीके से सीमित कर दिया गया है। और उसके साथ साथ 15 अगस्त के दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाल किले की प्राचीर से जब भाषण दिया करते थे, तो उसके सामने लगभग 3 से 4 हजार जो है स्कूलों के बच्चे बैठा करते थे अलग अलग तिरंगे की फॉर्मेशन बनाते हुए, लेकिन इस बार हो सकता है कि वो जो तिरंगे की फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं वो ना देखने को मिले। ऐसे में जो तैयारियां हैं लाल किले जो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर, उनको कहीं ना कहीं अंतिम रूप जो है यहाँ पर लाल किले की प्राचीर पर जो है दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम है वो पूरी तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है करे गए हैं। चारों तरफ जो है लाल किले के आसपास बैरिकेटिंग लगाई गई है। बैरिकेटिंग के साथ साथ अगर बात करते हैं तो चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस कर्मी तैनात है, ताकि किसी भी तरह की जो घटना है, अप्रिय घटना है, वो यहाँ पर ना देखने को मिले। चौराहों पर अगर बात करें हम, तो सीसीटीवी कैमरे जो है वो आते हुए तमाम चौराहों पर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये जो तमाम तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, वो अब पूरी तरीके से जो है यहाँ पर लाल किले पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि इस दौरान किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, किन किन की एंट्री यहाँ पर होगी स्पर्श, और पिछले साल के मुकाबले इस बार किस तरीके से कितनी संख्या में लोगों के यहाँ पर आने की अनुमति जो है वो यहाँ पर दी गई, इस बार में क्या कुछ जानकारी? देखिए अंजलि, पिछली बार के मुकाबले जो है कम संख्या में लोग जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस बार के अगर हम कार्यक्रम का स्वरूप की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 7:30 बजे के आसपास जो है यहाँ पर झंडा फहराते हुए आपको दिखाई देंगे। और कार्यक्रम का आपको स्वरूप अगर मैं बताना चाहूँ कि कल किस तरीके से कार्यक्रम का स्वरूप रहने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या शेड्यूल रहने वाला है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजघाट जाते हुए जो है 7:15 बजे के आसपास दिखाई देंगे। और राजघाट के बाद से जो है सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर लाल किला आएंगे और यहाँ पर जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। उसके साथ साथ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे, तो वो भाषण जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि किस तरीके का संदेश जो है इस बार कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है देखने वाली बात रहेगी। किस तरीके की दिशा निर्देश होंगे, किस तरीके की नई दिशा जो है देश को देखने को मिलेगी, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे जो लाल किले की प्राचीर है वहाँ से दिखा नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।